में दो। आंटी महंगा, मैं इतनी दूर, पता है मैं उत्तराखंड से आई हूँ। महिला की नाक देखो कितनी लंबी है, ताकि ये दूसरों के मामले में नाक घुसेड़ सके। मास्क कितने का है? दिल्ली में आपने चाहे जितने मर्जी छोटे कपड़े पहने हो, या यहाँ पर कोई आपको पलट के, घूर के, या फिर ताने मार के, या कोई छेड़ना वेड़ना कुछ नहीं है। जैसे आज मैंने स्कर्ट पहना है, तो 100 लोग मुझे घूर के और 50 लोग मुझे छेड़ के जाएंगे। पर अब मुझे बुरा लग रहा है कि यार कोई मुझे घूर क्यों नहीं रहा, कोई हैंडसम सा लड़का। इसका प्राइस क्या है? तो पुराने व्लॉग में आप लोगों ने देखा सरोजनी मार्केट में क्या क्या मिलता है। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ दिल्ली हाट, जो सरोजनी मार्केट से 3 किलोमीटर दूर है। बस किसी नए शहर में आना और यहाँ की चीज़ों को देखना कितना अजीब लगता है ना। ऐसा लगता है कि क्या है, कुछ पता नहीं है। अगर ये व्लॉग कोई दिल्ली से देख रहा है तो प्लीज़ अगली बार जब मैं आऊँ तो प्लीज़ मुझे कहीं लेके जाना ज़रूर, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई ऑटो वाला मेरा जूते उल्लू बना रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सच कहूँ तो सरोजनी मार्केट मुझे इतना बिल्कुल पसंद नहीं आया जितना हवा है उसका। दुकानदारों का एटीट्यूड बहुत हाई है उधर, साला इतनी बेइज्जती करते हैं ना वो। उसको बोलो भैया 50 रुपये कम कर दो, सीधा बोल रहा है लेने लो वरना निकलो। एक जगह मैं जीन्स ले रही थी तो उसने कहा कि आपका साइज़ कितना है, तो मैंने बताया 32। उसने मेरा फिगर देखा ऊपर से नीचे, कह रहा मैडम नहीं आप 30 की हो, इतनी मोटी समझ रहे हो अपने आप को। आंटी ये कितने का है? 180। 150 में दो। नहीं आंटी 150 में दो। 180। आंटी महंगा, मैं इतनी दूर, पता है मैं उत्तराखंड से आई हूँ। मैं तो अभी मैं हूँ दिल्ली हाट। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत एसेसरीज और होम डेकोरेटिव चीज़ें मिलती है इसके अंदर, तो अभी मैं जाऊँगी। और जाने से पहले मुझे यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चार्जेस ले रहे हैं पता नहीं क्यों। तो 20 रुपये का मुझे टिकट पड़ा है। तो जैसे कि मैंने आपको सरोजनी मार्केट में 150 रुपये का सामान दिखाया था, तो ये मत सोचना कि ये भी उतने का ही माल है। ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये हैंड क्राफ्टेड है और इनका बहुत अच्छा शोरूम डिस्प्ले है यहाँ पे। तो यहाँ की जो पेंटिंग का प्राइस है वो 4000 से स्टार्ट है भैया। दिल्ली हाट में ना आपको कल्चरल चीज़ें बहुत मिल जाएंगी, जैसे एथनिक या विंटेज स्टाइल एसेसरीज और कपड़े भी। अब देखो इतनी सुंदर सुंदर कठपुतली, इस महिला की नाक देखो कितनी लंबी है, ताकि ये दूसरों के मामले में नाक घुसेड़ सके। खैर यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कठपुतलियाँ थी, मुझे तो बहुत पसंद है, पर मेरे पास ऑलरेडी है घर पे। और ये देखो दूल्हा दुल्हन, इनकी ड्रेसेस कितनी अच्छी लग रही है। तो सच कहूँ तो ये मार्केट गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं है, जिनका बजट लो है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत हाई फाई चीज़ें मिलती है और क्वालिटी बेशक बहुत अच्छी है अगर पैसे दे रहे हो तो।
ऋषिकेश में इससे सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है। ये पूरा ऋषिकेश जैसा है, तो अगर जो ऋषिकेश या उत्तराखंड में रहता है तो दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है ये देखने के लिए। आप ऋषिकेश में भी जा सकते हो, ऋषिकेश में सस्ता भी मिलता है। जैसे उत्तराखंड में तो मैं बचपन से रह रही हूँ, जब आप नए शहर में आते हो ना, बहुत अलग माहौल, लोग, जगह, बहुत अलग फीलिंग आता है। मतलब तो मैं कैसे बताऊँ, कितना पराया सा लगता है दूसरे के स्टेट में जाना, दूसरी जगह जाना बहुत पराया सा लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। मुझे लगा था मैं सरोजनी मार्केट जाऊँगी तो कहीं मैं लाखों रुपये ना उड़ा दूँ, पर सच बताऊँ तो मेरे 500 रुपये भी ख़त्म नहीं हुए। मैं सोची थी वीना ले ले, कुछ ले ले यार, इतनी दूर से आई है कुछ तो ले ले। फिर मैंने गिन चुन के चीज़ें ली, वो मैं आपको दिखाऊँगी क्या लिया। और अभी हम यहाँ पे हैं द्वार हाट में, यहाँ पे तो सच बताऊँ तो बहुत महंगी चीज़ें हैं, मतलब महंगी चीज़ें मेरे काम की भी नहीं है और वैसे भी काफ़ी महंगी है। तो एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, दिल्ली में आपने चाहे जितने मर्जी छोटे कपड़े पहने हो या फिर पूरा कपड़ा चादर ही क्यों ना पहना हो, यहाँ पर कोई आपको पलट के, घूर के या फिर ताने मार के या कोई छेड़ना वेड़ना कुछ नहीं है। दिल्ली जहाँ तक लगा कि मैं काफ़ी दूर आई हूँ अपने घर से घूमने के लिए, तो यहाँ पे मुझे कभी भी अभी टीम टीजिंग जैसे छेड़खानी का कोई मुझे ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला है। और लोग यहाँ पे घूरते भी नहीं है, मतलब ऐसे देखते हैं तो बस नॉर्मल। जैसे अगर मैं रुड़की में कुछ ऐसे ड्रेस पहन के निकल जाऊँ, जैसे आज मैंने स्कर्ट पहना है, तो 100 लोग मुझे घूर के और 50 लोग मुझे छेड़ के जाएंगे। पर दिल्ली बिल्कुल सेफ है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी। तो दिल्ली इज़ सो सेफ एंड आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर केजरीवाल। हर एक मोड़ पे कैमरे हैं, हर एक रेस्टोरेंट, बार, हर एक सड़क दुकान के पास कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक टाइम भी मुझे डर नहीं लगा। बाकी जो छोटे छोटे शहर है, रुड़की बहुत छोटा शहर है, तो वहाँ पर ये चीज़ों का मुझे बहुत फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। पर दिल्ली बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, यहाँ पर मुझे एक मिनट भी नहीं लगा कि मैं बिल्कुल सेफ नहीं हूँ। ओवरवेलमिंग पीपल हैं, अगर उनसे कुछ पूछो तो पूरा आपको अच्छे से जवाब देते हैं। और यहाँ पर लड़के भी बहुत हैंडसम हैं। क्या करूँ, यहाँ का चलन ही ऐसा, कोई किसी को घूरता ही नहीं है। अब मुझे बुरा लग रहा है कि यार कोई मुझे घूर क्यों नहीं रहा, कोई हैंडसम सा लड़का। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। पर हाँ, एक ब्लॉगर होने की वजह से थोड़ा बहुत अटेंशन तो मिलती है, क्योंकि अगर मैं फ़ोन में यहाँ पर अकेले बैठ के कैमरे में बात कर रही हूँ तो बहुत लोग घूरते हैं कि किससे बात कर रही है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। पर क्या करें, अब आदत डलवानी पड़ेगी ना, डालनी पड़ेगी। ये ऐसे पहनते हैं, उल्टा सा नहीं लग रहा? ये उस काम का है, ये उधर वाले काम का। पहना के दिखाओ, ऐसी तो आएगा दीदी, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसी आएगा ये। यहाँ के कुछ लोग फोटो अलाउड नहीं है मैडम, जैसे कि तुम्हारे पास ये डिज़ाइन डालो, एक तो तुम्हारा फोकट का प्रमोशन चल रहा है, उल्टा मुझे पूछ के पानी वानी पूछना चाहिए। तुम्हारा यूट्यूब में प्रमोशन कर रही हूँ, उल्टा मुझे टोक रहे हो। मेरी माँ की हिम्मत नहीं हुई इस साले ये टोकेंगे मुझे। इसका प्राइस क्या है? 2700 का। और कुछ और ये खिलजी की अंगूठी। तो दोस्तों, अगर दिल्ली आना है, दिल्ली हाट आना है, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें महंगी हैं, पर हाँ महंगी है तो अच्छी भी है। तो जो गरीब हैं बेचारे, उनको मत आना। भैया ये क्या चीज़ है? पौधे में लगाते हैं। वाह ये क्यूट है, मेरे पापा को अच्छा लगेगा। कितने का है?
इतना सब कुछ देखने के बाद फिर मैं पहुंची दिल्ली हाट के मेट्रो स्टेशन, क्योंकि घर जाना था, काफ़ी अंधेरा हो गया था और रास्ते में मुझे इतनी तेज़ भूख लगी। कभी भी मेट्रो स्टेशन से अगर जाओ ना तो ये स्वीट कॉर्न पक्का खाना, ये इतने गजब बनाते, पता नहीं इसमें कौन कौन से मसाले डालते हैं, जब मुँह में डालते ही ना जन्नत दिखने लग पड़ती है। और सच बताओ इसे खा के मुझे 4 घंटे तक भूख नहीं लगी, ये इतना फुलफिलिंग था और फुल सेटिस्फाई। मैं जा रही हूँ घर और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7 o'clock। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ मेट्रो स्टेशन, वो भी अकेले। पहले आई हूँ पर दोस्तों के साथ आई हूँ, मेरा फ़र्स्ट टाइम था अकेले, जैसे तैसे पूछ पाछ के आई हूँ। एक का तो मैंने सर ही खा दिया था कि भैया पक्का वहीं जाएगी ना भैया प्लीज़, वो ज़्यादा कह रहे हाँ मैडम आप भरोसा करो। तो बहुत लोग का तो एक तरह से ड्रीम भी होता है मेट्रो स्टेशन देखना, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं अकेले आई तो जैसे तैसे पूछ पाछ के आ ही गई, पर इतना मुश्किल भी नहीं होता लगता है मेट्रो में घुसना कि यार ये थोड़ा टिपिकल तरीका है ट्रैवल करना, बट अगर एक बार समझ जाओ कि कैसे इनका प्रोसेस चलता है, कहाँ से टिकट लेती है, फिर मैपिंग वगैरह बहुत ईजीली, जो मेट्रो का प्रोसेसिंग है वो बहुत लोगों को बहुत आसानी से समझाने वाला प्रोसेसिंग है। हर एक मैप बना हुआ है, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन है। तो जो लोग सोचते हैं कि मेट्रो में ट्रैवल करना आसान है, स्पेशली बुज़ुर्ग लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर कोई बताने के लिए यहाँ पर होगा और आसपास के लोग भी होंगे, तो आप आकर अगर जिसको शौक़ है मेट्रो में घूमने का, जिन्होंने कभी देखा नहीं है मेट्रो स्टेशन मेट्रो ट्रेन, तो वो ईजीली आके बिना डरे यहाँ पर घूम सकते हैं। हम लोग तो शहरी लोग हैं, हम लोग आते जाते हमारा काम पड़ता है, पर जैसे हमारे गांव के लोग जिन्होंने मेट्रो, जिन्होंने अभी तक ट्रेन नहीं देखा, तो मेट्रो ट्रेन देखना उनके लिए बड़ी बात है। तो मैं आपके लिए छोटा सा व्यू दिखाती हूँ कि मेट्रो स्टेशन कैसे दिखता है और यहाँ पर ट्रेनें कैसे चलती हैं और कितना साफ़ सफाई है यहाँ पर और AC भी चलता है। मेट्रो स्टेशन घुसने से पहले आपको लेना पड़ता है एक टोकन यानी टिकट, उस टोकन को स्कैन करके ही आपको स्टेशन के अंदर आने की इजाज़त मिलती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कुछ नहीं समझ आता है तो लोगों से पूछने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि हर किसी को एक दिन में सब कुछ नहीं पता लगता है। जैसे ही ट्रेन रुककर दरवाज़ा खोलती है तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से घुसना है। ट्रेन रुकती है तो उसके बाद अपनी सीट ले लो, यहाँ पर सीट भी हर वर्ग की होती है, बुज़ुर्ग महिला विकलांग, तो फिर आपको देख कर बैठना है सीट पर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड भी होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य है, दरवाजे से कृपया दूर रहें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा मैप बना हुआ है जिसके ज़रिए हमें पता लगता है कि हम कौन सी लोकेशन में हैं, हम कौन से स्टेशन में रुके हैं, अब कौन सी स्टेशन आने वाली है। तो बहुत आसान हो जाता है इसे समझना कि हम कौन सी जगह और हमें कहाँ उतरना है, एक एक नाम लिखा होता है यहाँ पर। तो देखा आप लोगों ने मेट्रो से सफ़र करना कितना आसान है और सच में कितना टाइम बच जाता है, और जो टोकन आपके पास होता है उसको संभाल के रखना, क्योंकि उसी टोकन से हमें एग्ज़िट भी मिलता है। दोस्तों आज का व्लॉग मैं करती हूँ ख़त्म। मेरे शक्ल में बजे हैं 12, फिर भी मेरा वो देखो, उत्साह देखो, जोश देखो। आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये कोई बोलने की चीज़ नहीं है, दिस इज़ योर ड्यूटी नाउ। ओके बाय।